वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो बन रही है ये सीबीएसई के लिए वीडियो परफॉर्म कराई जा रही है, और सीबीएसई को लेकर के अभी ये जो 2000 ईयर इनका चल रहा है, 2021-22, इसको लेकर के क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, इसके ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। हालांकि इसके पहले जो भी नोटिस जारी हुआ था 5 जुलाई को, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तमाम स्टूडेंट जानना चाह रहे थे कि इसमें क्या है, क्या क्या चेंजेस किए गए। तो बच्चा आज ये पूरा कंप्लीट वीडियो दोनों चीज़ों को लेकर के आए हैं, जो अभी लेटेस्ट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये जो पास्ट नोटिफिकेशन था 5 जुलाई को रिलीज किया गया है। अच्छा देखो, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ देखो सब्जेक्ट मेंशन है, और इस सब्जेक्ट में बेसिकली केवल ये 2021 और 22 के लिए ही ये नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। इसमें चेंजमेंट जिस तरह के करने की बात की गई है, इसमें बेसिकली आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इस बार ये अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। तो बेसिकली इन्होंने कोविड-19 को देखते हुए ये इस पैंडेमिक की बेसिस पर इन्होंने इस साल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यानी एग्जाम जो होगा वो दो हिस्सों पर डिवाइड होगा, एक टर्म वन और दूसरा टर्म टू के अकॉर्डिंग। अब टर्म वन और टर्म टू की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या बातें की जा रही है, जरा इसको समझ लेते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि ये जो एकेडमिक ईयर होगा ये दो टर्म्स पर बेस्ड होगा, एक टर्म वन एक टर्म टू। टर्म वन 50% सिलेबस को कंटेन करेगा और टर्म टू भी 50% सिलेबस को कंटेन करेगा। अब सवाल ये था कि सीबीएसई ने जब 5 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया तो ये बताया कि 50% सिलेबस आएगा। बेसिकली इन्होंने इसमें 50% सिलेबस में क्या क्या होगा इसके बारे में एक संशय बना हुआ था, क्योंकि एक्चुअली इन्होंने ये नहीं बताया हुआ था कि इसमें क्या क्या चीज़ें ये रखने वाले हैं, जिसके कारण मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा था। फिलहाल अभी ये नए नोटिफिकेशन में इस बात को क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो टर्म वन और टर्म टू, टू टर्म्स की बात की जा रही है, तो टू टर्म्स में टर्म वन में 50% सिलेबस होगा, टर्म टू में 50% सिलेबस होगा। साथ ही साथ दोनों सिलेबस के बाद यहाँ पर जो टर्म वन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, टर्म वन आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा और टर्म टू जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव बेस्ड होगा। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए। इंटरनल एग्जाम आपको बताए जा रहे हैं, इंटरनल सॉरी असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको बता दिया गया, शायद इस बार 8 असेसमेंट मीन्स एक प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने होंगे। क्लास 12th की बात मैं कर रहा हूँ, 10th के बारे में यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। बच्चा इसी सीरीज में अब आगे ये देखो, टर्म वन का यहाँ पर मेंशन है, इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि जो टर्म वन होगा द क्वेश्चन पेपर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूडिंग केस बेस्ड एमसीक्यू एंड एमसीक्यू ऑन दी असर्शन रीजनिंग टाइप। ड्यूरेशन जो होगा वो 90 मिनट्स का होगा। ये बच्चा जो है ये पूरे सिलेबस का अप्रॉक्सीमेट 50% सिलेबस कवर करेगा। हालांकि 50% पर ही एक मुद्दा बना हुआ था कि इसमें कितने चीज़ें आने वाली हैं, क्या है और क्या नहीं है। ये टर्म वन के रिगार्डिंग यहाँ पर चर्चा की जा रही है। इसी के साथ में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है टर्म टू के बारे में, और टर्म टू जो होगा वो ईयर के एंड में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये तो इतनी बात रही जो यहाँ पर अभी परफॉर्म कराई जानी है 2021-22। ये टर्म टू जो होगा यानी जो फाइनल होगा और जो आपका रिजल्ट बनेगा वो दोनों टर्म्स को मिलाकर के बनेगा। ये 2 घंटे का पेपर होगा, ऊपर वाला 1.5 घंटे का पेपर था, इसमें 50% सिलेबस जो बचा हुआ होगा वो 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस। ठीक है, कुल मिलाकर के ये है कि इन्होंने सिलेबस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, और ये जो पूरा सिलेबस है दोनों सिलेबस को मिलाकर के मार्क्स ऑफ द सेकेंड टर्म वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। तो ये इस बार की 2021-22 की सीबीएसई की स्ट्रेटजी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो अभी हमारा एग्जाम है, यानी ये जो अभी 50% सिलेबस की बात की जा रही है, 50% सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। अच्छा, ये नोटिफिकेशन जल्दी लॉन्च किया गया है, अभी एक ही दिन हुआ इसको जारी किए हुए, 2021-22 के लिए है। ये टर्म वन का देखिए उन्होंने सिलेबस बताया है, रिलेशन एंड फंक्शन एलजेब्रा कैलकुलस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ये टर्म वन में इंक्लूड करा दिया गया है। इसमें अगर हम थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर अंदर क्लियरिफाई किया गया है कि किस हिस्से में क्या आने वाला है। सिलेबस डिलीटेड भी हुआ है, यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये जो लास्ट ईयर 70% सिलेबस था वो, और उससे शायद थोड़ा सा कुछ और भी कम कर दिया गया, मतलब सिलेबस काफी कम कर दिया गया है। रिलेशन एंड फंक्शन में अगर आप देखें तो केवल 1-1 on 2 फंक्शन को ही डिस्कस करने की बात की गई है, मैनी वन इन टू फंक्शन, इसके अलावा बाइनरी ऑपरेशन ये सब यहाँ से हटा दिया गया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी अगर आप देखते हैं तो डेफिनेशन रेंज डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन थे वो सब हटा दिए गए हैं।
मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में अगर आप देखते हैं तो ऑर्डर हो गया, कंसेप्ट नोटेशन, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, आइडेंटिटी, ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। इसके अलावा बच्चे आप देखेंगे तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी एलिमेंट्री ऑपरेशन को मैंशन नहीं किया गया है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन को यहाँ पर कहीं पर भी मैंशन नहीं किया गया है, हालांकि इनवर्स मैट्रिक्स अपने पास रहेगी लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। सेम अगर डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो डिटरमिनेंट में भी आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ये आपको देखने को मिल रहा है, कोफैक्टर है, माइनर है, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में आप जानते हैं फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्टेटमेंट पासिंग थ्रू टू पॉइंट, साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू वेरिएबल एंड थ्री वेरिएबल। अब देखो बच्चा यहाँ डिटरमिनेंट में भी जो आपके कुछ क्वेश्चंस थे प्रूवमेंट वाले प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस, वो यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि टर्म वन में अब वो नहीं है। अब देखना यह है कि टर्म टू में हमें आगे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। बच्चा इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी में भी अभी आप देख पा रहे हैं काफी चीजें यहाँ से रिमूव करा दी गई हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। एप्लीकेशन में आ जाते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल है, मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इतनी चीजें रखी गई हैं। इसी के साथ में बच्चा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कहीं पर भी अब आपको रोलेज एंड डगरेजेस थ्योरम देखने को नहीं मिल रही है। इससे ये पता चल रहा है कि ये सिलेबस काफी कम कर दिया गया है, हालांकि इस बार उन्होंने कुछ इस तरीके से मेंशन नहीं किया था लेकिन सिलेबस काफी कम हो चुका है। लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ पर फर्स्ट टर्म में रख दिया गया है, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही किया गया है क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी ये क्लास 11th में है, बच्चा क्लास 11th से पढ़ करके आएगा और डेफिनेटली लीनियर प्रोग्रामिंग को यहाँ इजीली कैच कर पाएगा, तो ये बिल्कुल सही रखा गया है टर्म वन में। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, हाँ इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर पीरियोडिक टेस्ट का आपको 5 मार्क्स और ये मैथमेटिक्स एक्टिविटी प्लस रिकॉर्ड फाइल, इसका आपको 5 मार्क्स, कुल मिलाकर के 10 मार्क्स आपको इंटरनल मिलने वाले हैं। यहाँ से लैब मैनुअल की आप हेल्प ले सकते हैं एक्टिविटीज़ के लिए। चलिए बच्चा इसी सीरीज में थोड़ा सा और हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अब क्या हो सकता है। ये देखिए टर्म टू का सिलेबस आ गया, मैं आपको बताना भूल गया था टर्म वन जो होगा वो भी सिंगल पेपर बेस्ड होगा, टर्म टू भी सिंगल पेपर बेस्ड होगा। ये देखिए 40 मार्क्स का है और 40 मार्क्स आपका ये जाएगा ओवरऑल 10 मार्क्स इंटरनल, यानी 40 और प्लस 10 मिलाकर के टोटल 50 मार्क्स का बनेगा। यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है इन्होंने सिलेबस के इंटरनल पार्ट को भी डिस्कस किया हुआ है, हालांकि इसमें कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D और प्रोबेबिलिटी है। इंटीग्रेशन में भी आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन काफी कुछ कम कर दिया गया है, हालांकि जितना भी यहाँ पर इससे ज्यादा शायद हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल में आप केवल एरिया, सिंपल प्रॉब्लम्स और बहुत ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया, इन्होंने स्पेसिफाई भी कर दिया कि किस तरह की ग्राफ को ये डिस्कस करना चाहते हैं, यानी बहुत ज्यादा अब यहाँ पर हॉच पॉच होने वाला नहीं है। चलिए आगे इसी में देखते हैं कि क्या हो सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखो सिलेबस काफी कम कर दिया गया, बर्नौली ये सब हटा दिया गया, जो सिंपल बेस्ड है वही सब चीजें यहाँ रखी गई है, वेक्टर और ये आपका रहा 3D। तो बच्चा सिलेबस अभी आपको देखते हुए काफी कम कर दिया गया है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत वाली बात है, लेकिन जितना आपको यहाँ राहत मिलेगी वही आगे आपके लिए समस्या होने वाली है, क्योंकि अभी इसके बाद जब आप बीटेक या बीएससी करते हैं तो फिर बच्चा वहां पर ये जो आप लोग है ना, ये आप लोग डिग्री कॉलेज के टीचर के लिए थोड़ा सा समस्या बने रहेंगे, क्योंकि बच्चा यहाँ से जिस तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशन को रिमूव करा दिया गया है तो फिर ये सब चीजें आगे हैं, बच्चा आगे आने वाला भविष्य एक्चुअली इन्हीं का है, तो फिर ये सब चीजें नहीं होंगी तो फिर आगे थोड़ा सा आपको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और आप जिसके अंडर में रहेंगे उसको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि सब कुछ पढ़ते रहना, क्योंकि कंपटीशन से कुछ कम होने वाला नहीं है। आफ्टर ट्वेल्थ डेफिनेटली आपके कुछ सपने होंगे, आप IIT, JEE या वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, तो इन सब चीज़ों को आपको जानना होगा। यहाँ से बच्चा जो 5 मार्क्स का है वो देखिए 5 मार्क्स का इन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से 5 मार्क्स 3 और +2, ये जो 2 मार्क्स होगा ये वाइवा बेस्ड होगा, यानी वाइवा हमारे पास 2 नंबर का है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर प्रिस्क्राइब बुक्स भी मेंशन कर दी कि किन किन बुक से अध्ययन करना है। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पर किसी तरीके की कोई समस्या होगी, फिर भी अगर आपको किसी तरीके की कोई डाउट है रिगार्डिंग टू द सिलेबस देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। फिलहाल आज के सिलेबस इतना ही, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड वी गॉड ब्लेस यू ऑल।